डिसीजन कुछ नहीं, अभी तो प्रशासन के नाल चल रहे हैं जी, सहमति नाल। प्रशासन ने सानू कहा कि खूनदान कैंप लाओ, असी तां लाने लगे। प्रशासन ने कहा कि जी एवें लड़ाई झगड़े वाला माहौल होना वा, तो तुम रहन दो, तुम साड़ी सलाह मान लो। अं तो जी सारा सदा दे लिए प्रशासन नाल चल के चलण वाले लोग हाँ जी, ठीक है ना जी। प्रशासन ने सानू बेनती करी, असी उन्हां दी बेनती प्रवान कर ली है जी। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल से लाना सी, करोना महामारी सी, होस्पिटल वाले ने गल करी कि अपने ऑर्गनाइजेशन नूं कहो, असीं सारिआं ने सलाह मशुरा करके तय कर लिया तरीका 20 नूं अज इत्थे सी, 22 नूं रोपड़, 23 नूं आनंदपुर। मगर कुछ कह लो कि सारे तरह के लोग हैं संसार च। असी गुरु तेग बहादुर जी की जन्म शताब्दी के उपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने खूनदान कैंप रखिया सी, जिहदे विच आके किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत ज़्यादा साडा विरोध किया। और ये जिहड़ा किसान मोर्चा है, इन्हां दीआं सेंटर गौरमेंट दे नाल जिहड़े किसान मुद्दिआं दे उपर जिहड़ी है आपस दे विच जिहड़ा इन्हां दे मुद्दे हल नहीं हो रहे है, उन्हूं ये RSS नाल जोड़ के इन्हां ने इस कैंप नूं जिहड़ा है हुड़दुंग मचाउण दी कोशिश कीती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जिहड़ा किसान मोर्चा है सारा ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा है और देश दे विच इह हवड़ा दफड़ी पैदा करना चाहता। और अज जिहड़ा करोना काल दे विच जिहड़ा सारा जिहड़ा विश्व है और भारत है उहदे विच जूझ रहा है, पर इह किसान मोर्चा इहदा ध्यान ना रखते हुए इह समाज दे विच वितकरा पैदा करना चाहता है। और गुरु तेग बहादुर जी महान शहीद होए, जिन्हां ने इस धर्म की खातर, देश की खातर, संस्कृति की खातर अपना बलिदान किया, उहदी याद विच असीं कैंप लगा रहे थे। इन्हां ने कैंप सिरे नहीं चढ़न दिता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। RSS वाले ला रहे सी कैंप, तो असी सवेर दे इन्हां दे विरोध दे विच एक पासे तां तुहानू 6 महीने हो गए भुखे भाणे नूं बार्डर ते बिठालिआं नूं, ते इन्हां दी पैदाश BJP पार्टी, दूजे पासे पंजाब दे विच अपनीआं जड़ां विछा रहे ने। इह सानूं हर किसे जिहड़ी मजबूर है नहीं, मंजूर नहीं हैगा, ते असीं इन्हां नूं टाइम दित्ता सीगा कि प्रशासन तुसीं उह कैंप बंद कराओ, लेकिन प्रशासन ने साडा साथ देण दी बजाए असीं शांतमई बैठे सी, 25-30 गुंडे हथियारां ਨਾਲ ਲੈਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੜਿਆ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ RSS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵਿਹਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS ਵੀ BJP ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ BJP ਦਾ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। RSS ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇਜ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ